आज हम बैंगन और आलू की कढ़ी रेसिपी लेके आए हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो लेके आते रहती हूँ। बैंगन को साइड में रख देंगे पानी डाल के। बैंगन को अभी नहीं कट करेंगे, सबसे पहले मसाला रेडी कर लेते हैं। तो ये लहसुन है स्वादानुसार, और ये मिर्ची है, और जीरा का हम पेस्ट कर लेंगे, और जो कटा हुआ प्याज है और कटा हुआ टमाटर है उसे उसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो हमारे पास मिक्सर नहीं है तो हम सिलबट्टे पे मसाला पीसते हैं। तो देखिए, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और मैं बहुत सारे खाना की रेसिपी और मिठाइयाँ वगैरह डाल चुकी हूँ अपने मेरे प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए, हम सी सेक्शन से डिलीवरी हुई तो हमें ज़्यादा जोर लगाना मतलब मसाले पे नहीं पीस पाते, तो हम दो बार में इस तरह मसाला पीसते हैं। बारीकी से पीस जाता है, इसके लिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम तड़का लगाते हैं, तेल गर्म हो गया है। सबसे पहले राई डाले हैं और एक मिर्ची डाले हैं तोड़ के, और उसके बाद से तेज़पात डाले हैं और उसे जल्द जाने देते हैं। उसके बाद से पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे लहसुन मिर्च और जीरा का, और इसे अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद से बारीक बारीक किया हुआ प्याज डालेंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। स्वादानुसार इस सारा चीज़ प्याज डाल के हो चुका है हमारा, अच्छे से इसे भून लेंगे तेल में जब थोड़ा गल के रेडी हो जाएगा। स्वादानुसार मसाला डाल देंगे, स्वादानुसार हल्दी डाल देंगे, और हल्का सा लाल कलर पाउडर डाल देंगे हम, और स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे हम। हमने अब ये बारीक किया हुआ जो कांदा प्याज और जो हमारा लहसुन मिर्च का पेस्ट था वो अच्छे से पक गया है। उसके बाद से हमें ये टोमेटो का बारीक पेस्ट डाल देना है और उसे भी अच्छे से भून लेना है। अब मसाला हमारा भून चुका है अच्छे से, देखिए कलर भी आ गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू कटा हुआ, इसे अच्छे से भून देंगे और थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि आलू बहुत ही कड़क होते हैं, उसे पकने में टाइम लगता है, तो ये पक जाएगा अच्छे से। उसके बाद से हम हल्का सा पानी डाल के इसे ढक देते हैं, तब तक भून भी जाएगा और पक भी जाएगा। तब तक हम बैंगन को काट लेते हैं। बैंगन बाद में काटे हैं हमने इसलिए क्योंकि बैंगन काले पड़ जाते हैं, तो इस तरह बैंगन काटना है। उसके हरा वाला जो है वो रख देना है, सिर्फ डंटी निकाल देना है। इस तरह से काट लेंगे। देखिए, हमारा बैंगन काट के हो चुका है और जो खराब वाला साइड में निकाल दिए हैं, और इसे अच्छे से धो के एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे धो के प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम सब्जी देख लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर फ्लेवर आया है, और हमारा वो गल के रेडी भी हो चुका है आलू। तब इसके अंदर हम बैंगन डाल देंगे। हल्का आधा आलू गल गए, थोड़ा सा बाकी है और बैंगन के साथ गल जाएगा। इसे थोड़ी देर हम ढक के रख देंगे, 10-15 मिनट में हो जाएगा हमारा। अभी हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो देखिए गल गए हल्का सा, थोड़ा सा और बाकी है। अब इसको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी, गर्म पानी डाल के और ग्रेवी कर लेंगे। जितना ग्रेवी रखना है उतना कर लेंगे। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं। आलू हमारे एकदम गल चुके हैं और बैंगन भी।
अब इसका ग्रेवी जितना चाहिए उतना हम ग्रेवी डाल देंगे गर्म पानी डाल के, और ग्रेवी रख थोड़ा सा और पकने देंगे, और उसके बाद से हमारा हो जाएगा। तो हम इसके अंदर हमारा हो गया, अब इसके अंदर हम धनिया डाल के और उतार लेंगे।